हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। तो फिर से नया रिपेयरिंग वीडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को और एक तो रिपेयरिंग सिखाएंगे। मेरे पास एक तो काम आया है, वो मोटर वाला का है, मोटो का है, मोटो E4 प्लस। तो मोटो E4 प्लस मॉडल, उसमें माइक्रोफोन चेंज करेंगे। माइक्रोफोन ख़राब है तो वही मैं आज दिखाएंगे कौन सा माइक्रोफोन लगा रहे हैं वहाँ पर, कौन सा लगा सकते हो आप लोग। कंप्लीट मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए गाइस। मैं देखा तो देखिए, यहाँ पे ये मोटो का माइक्रोफोन है, यहाँ पे इसका ये 1 2 3 4 5 ये 5 पिन का माइक्रोफोन है। तो इसमें मैं अभी यहाँ पे देखिए, ये वाला माइक्रोफोन रख दिया, ये यहाँ पे कॉमन है, दो जियो का लग देता है यहाँ पे। ये वाला देखिए, ये तो 5 पिन का माइक्रोफोन है, जो माइक्रोफोन यहाँ पे मैं उठाया, ये देखिए जियो का माइक्रोफोन है। तो देखिए गाइस, मैं दिखा दो आप लोगों को यहाँ पे माइक्रोफोन का जो प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 पिन का माइक्रोफोन है, ये 5 पिन का माइक्रोफोन में ये वाला माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ था। ये 5 पिन का माइक्रोफोन है, यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे लगाएंगे ये वाला माइक्रोफोन। ये देखिए, ये सैमसंग का ज़्यादातर लगता है, ओप्पो वीवो बहुत सारे मॉडल में लगता है। तो ये वाला माइक्रोफोन में लगे, यहाँ पे इसका पॉइंट देखिए, 1 2 पॉइंट है, 1 ग्राउंड पॉइंट है, 3 पॉइंट है। ये वाला 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट का माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। तो ये वाला माइक्रोफोन में यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा माइक्रोफोन यहाँ पे लगेंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला जियो का माइक्रोफोन है। ये वाला माइक्रोफोन भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये वाला माइक्रोफोन भी ये लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो ये वाला माइक्रोफोन, तो ये 5 पॉइंट का माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ था, इसका छोड़िए, ये में नहीं लगाएंगे। ये वाला माइक्रोफोन जो लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, 1 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट है ना, ये होगा ग्राउंड पॉइंट, अरे ये होगा 1 2 पॉइंट कनेक्शन है, ये ग्राउंड पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे 1 2, ये दोनों साइड के तो 2 पॉइंट है, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट हो गया ग्राउंड कनेक्शन। मतलब ये तीनों कनेक्शन एक ही है, ये तीनों कनेक्शन एक ही है। ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट लेंगे, ये वाला जो ग्राउंड पॉइंट है ये वाला लेंगे, इसका 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 कहीं भी एक को लगा देंगे तो काम हो जाएगा। ये भी देखिए जियो का जो माइक्रोफोन लगता है, ये वाला माइक्रोफोन के लिए यहाँ पे ना 1 2 ये पॉइंट है, ये दोनों कॉमन हो गया, ये दोनों ग्राउंड हो गया। इसको जैसे ये वाला ग्राउंड है, ये यहाँ पे लगा सकते हैं वाला, इसको भी ये दोनों एक ही पॉइंट है ग्राउंड कनेक्शन। ये वाला आप ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये दोनों पॉइंट है ना, ये वाला दोनों पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला माइक्रोफोन भी आप लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं जो जो वायर वाला जो माइक्रोफोन आते हैं, 2 वायर का 2 पॉइंट होते हैं। तो उसके लिए क्या होगा ना, 2 वायर का माइक्रोफोन जो लगता है ना, यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, वो आपका बैटरी कनेक्टर में मिल जाता है, जो बहुत सारे बैटरी कनेक्टर मुंह में उसको लगा रहता है, 101 का रेजिस्टेंस का, 102 का रेजिस्टेंस, वो वाला माइक्रोफोन यहाँ पे लगाने के बाद 2 वायर का जो माइक्रोफोन यहाँ पे लग, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये 2 वायर का माइक्रोफोन यहाँ पे, तो ये देखिए, ये 2 वायर का माइक्रोफोन भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इसके लिए इसको बैटरी मुंह में से बोल रहा था, बहुत सारे वो मोबाइल में मिल जाता है, 102 का 101 का रेजिस्टेंस जो मिलता है, वो वाला रेजिस्टेंस आप लोग के ना यहाँ पे, अरे यहाँ पे ये दोनों 20 वाला छोड़ के, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे सोल्डरिंग होगा, एक तरफ पे सोल्डरिंग होगा, उसके बाद इसी टाइप का ये रेड वाला पॉइंट यहाँ पे जम्पर होगा, ठीक है। 2 वायर का जो माइक्रोफोन आता है, और इधर में लगेगा ये ब्लैक वाला पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी लगा दो, बस काम हो जाएगा। तो इसमें इतने सारे माइक्रोफोन लगा सकते हैं। तो चले गए, वही आप लोग आज डिटेल में दो दिखाया मैं उसका, तो मोटो E4 प्लस मॉडल है, तो उसमें मैं अभी माइक्रोफोन लगाएंगे, जो जियो सैमसंग का जो 2 पिन का माइक्रोफोन, तो वही मैं लगाएंगे। तो चले गए, दिखा दो आज का वीडियो, तो लास्ट तक देखिए गाइस। तो गाइस देखिए, ये वाला है मॉडल है, मोटो E4 प्लस मॉडल है। तो इसमें मैं वो जो माइक्रोफोन का बात कर रहा था, यहाँ पे वो माइक्रोफोन में लगाएंगे, यहाँ पे 5 पिन का माइक्रोफोन लगा हो। तो चलिए गाइस, इसको कंप्लीट में खोल के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कम करके दिखाता हूँ लास्ट तक, आप लोग देखिए प्रूव में करके दिखाता हूँ जो माइक्रोफोन दूसरा माइक्रोफोन कम करता है कि नहीं। तो चलिए गाइस देखिए इसके लास्ट तक वीडियो। तो चलिए इसको बैक पैनल को ओपन कर लिया, यहाँ पे बैक पैनल इसका बहुत पुराना मॉडल है, तो इसलिए साइड में इसका रबर खराब हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए इसको मैं अभी नीचे तरफ इसको खोलेंगे, नीचे में जो माइक्रोफोन है उसको जो चार्जिंग बोर्ड है उसमें जो माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो वही माइक्रोफोन में कंप्लीट उसको ओपन करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग स्टेप बाय स्टेप दिखा दो, जो मैं वहाँ पे जो आप लोगों को पहले इंट्रो में दिखाया था, ऐसे सेम टू सेम इसको चेंज करके ऐसे इसको दिखाएंगे कंप्लीट, सक्सेसफुली देखेंगे उसको लास्ट तक काम करता है कि नहीं, वो भी आप लोग ध्यान से देखिए। उसको जो मैं उसको आप लोग पहले जो दिखाया था वो काम करेगा कि नहीं, वो भी आप लोग देखिए सक्सेसफुल लास्ट तक वीडियो। तो गाइस देखिए, फाइनली इसको रिंगर बॉक्स ओपन कर लिया, अभी इसको जो चार्जिंग बोर्ड है वो बाहर निकल लेता हूं। उसके बाद फिर माइक्रोफोन को चेंज करके जो मैं उसका जो 2 पिन का सैमसंग का जो डिजिटल माइक है वही मैं लगाएंगे। तो यहाँ पे तो 5 पिन का माइक्रोफोन लगा हुआ, मैं पहले आप लोगों को बोला था, तो चलेगा इसको दिखा दो मैं इसको ओपन करके स्टेप बाय स्टेप।
तो इसको चार्जिंग फ्लेक्स और उसको होम सेंसर का उसको फ्लेक्स खोले, अभी इसको आराम से चार्जिंग बोर्ड बाहर निकल लिया। तो चार्जिंग बोर्ड देखिए आराम से इसको बाहर निकल गया। अभी इसको आराम से उसको माइक्रोफोन को उसको काम करेंगे, ठीक है। इसका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे, मतलब जब कस्टमर फ़ोन कर रहे इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहे, तो इसका माइक्रोफोन बिल्कुल ख़राब है। तो इसीलिए तो माइक्रोफोन वैसे में चेंज करो। इसका नीचे का ना एक बात बोल दे, तो नीचे का जो चार्जिंग बोर्ड है अलग से मार्केट में मिल जाएगा। मैं हमेशा देखता हूँ, आप लोग मेरा चैनल पे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, हमेशा उसका जो मैं बोलता हूँ चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करो, चार्जिंग पिन चेंज करो, तो ज़्यादा ना वो आराम से उसका वो आराम से चार्जिंग बोर्ड मिल जाएगा। ये भी चार्जिंग बोर्ड जिसको नीचे मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मैं फिर भी इसको माइक्रोफोन चेंज करेंगे। तो चेंज करने का काम सही होता है, वही आप काम जानता है यही आप लोग अगर बोलना चाहते, अगर काम जानते हैं तो इसको चेंज कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो बस ठीक है डायरी ले, आप लोग चार्जिंग बोर्ड लिया चेंज कर दिया बात अलग है, चार्जिंग बोर्ड मार्केट में आराम से मिल जाएगा। लेकिन नहीं उसको मैं आराम से इसको माइक्रोफोन चेंज करेंगे, चार्जिंग बोर्ड पूरे के पूरे नहीं चेंज करेंगे और सब बिल्कुल तो सब सही है। तो चले गए आराम से माइक्रोफोन के यहाँ पे उठा ले। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन उठने के बाद 5 पिन का माइक्रोफोन है जो पहले मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे देखिए आराम से इसको माइक्रोफोन को उठा लेता हूँ। यहाँ पे माइक्रोफोन चार्जिंग बोर्ड में जो माइक्रोफोन ख़राब है, ये माइक्रोफोन यहाँ पे पेस्टेड है, यहाँ पे ये माइक्रोफोन लगा के पेस्ट कर दिया है कंपनी लोग, यहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो इसको आराम से देखिए, इसको आराम से हिट मारने से माइक्रोफोन उठ जाएगा। तो देखिए माइक्रोफोन आराम से इसको उठ गया। तो आप यहाँ पे देखिए आराम से इसको, चलिए अभी आप लोगों में दिखाता हूँ कैसे इसको आराम से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखिए माइक्रोफोन 5 पिन का जो माइक्रोफोन है, आराम से इसको तो उठा दिया। अभी मैं इसको माइक्रोस्कोप में जाकर जूम करके आराम से इसको मैं दिखाता हूँ। तो इधर में थोड़ा सा वो हिट मारने से वो पिघल गया, वो जो रबड़ था। तो चले गए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आराम से इसको क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे जो जियो का, जो जियो नहीं उसको 2 पिन का माइक्रोफोन, जो 3 पिन के मतलब सैमसंग का लगता है, वीवो ओप्पो बहुत सारे मॉडल में ये बड़ा माइक्रोफोन डिजिटल माइक्रोफोन, तो ये माइक्रोफोन में अभी यहाँ पे लगाएंगे। चलिए गाइस दिखा दो कौन सा वाला मैं माइक्रोफोन लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को वीडियो में पहले ही दिखाया था कौन सा वाला माइक्रोफोन में यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला माइक्रोफोन में यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये वाला माइक्रोफोन यूज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ काम करता है कि नहीं। जो यहाँ पे 5 पिन का माइक्रोफोन है, 5 पिन का जरूरत नहीं है, ये वाला माइक्रोफोन आप लोग लगा सकते हैं, आराम से काम कर जाएगा। जियो का जो 4 पिन का माइक्रोफोन है वो भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए गाइस ये वाला माइक्रोफोन यहाँ पे मैं यूज़ करेंगे। तो ये इसका देखिए यहाँ पे आराम से इसको माइक्रोफोन यहाँ पे, ये जो 5 पिन का पॉइंट है यहाँ पे, तो 5 पिन का पॉइंट है यहाँ पे आराम से, 2 पिन का पहले जो मैं समझा था, देखिए यहाँ पे इधर का 2 पॉइंट इसका कनेक्शन है, ये वाला पॉइंट और बीच में जो कनेक्शन है ये वाला पॉइंट और इधर के ये वाला पॉइंट और बीच वाला पॉइंट, ये तीनों कनेक्शन एक ही, इधर से तीनों कनेक्शन एक ही है। तो इसमें एक कनेक्शन का यहाँ पे जम्पर करेंगे और दोनों पॉइंट उसका दोनों साइड में उसको जम्पर करेंगे, उसके बाद देखिए आप लोग काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं गाइस, ठीक है। तो अभी चले इसको आराम से माइक्रोफोन के यहाँ पे जंपर वायर लगा के आराम से इसको जंपर करके कंप्लीट में आप लोगों को सेट करके दिखाता हूँ गाइस। तो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो गाइस इसको आराम से देखिए माइक्रोफोन के यहाँ पे इसको जंपर वायर यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद फिर जंपर करके आप लोगों को कम्प्लीट दिखाता हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखिए गाइस, इसको कैसे मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, मतलब माइक्रोफोन का प्रॉब्लम था इसको। मोटो E4 का माइक्रोफोन ख़राब है, लेकिन ये वाला 5 पिन का पॉइंट माइक्रोफोन आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब इसका माइक्रोफोन अब जो इसमें ये वाला मॉडल में सिर्फ काम करेगा, ऐसे कोई बात नहीं है, और कई मॉडल में बहुत सारे मॉडल में MI 3S जो भी जितने सारे मॉडल है माइक 5 पिन का, बहुत सारे मॉडल में काम कर जाएगा आराम से। तो चले गए जिसको आराम से देखिए, मैं इसको जम्पर वगैरह लगा लिया यहाँ पे, देखिए तीनों पॉइंट यहाँ पे, एक तो ग्राउंड कनेक्शन है उसका जो राउंड है दोनों तरफ, इसका दोनों पॉइंट कनेक्शन। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं उसका बोर्ड में चला जाता हूँ, वहाँ पर जम्पर कर लेता हूँ। तो जंपर करने के बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाएंगे इसको काम करेगा कि नहीं, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था उसका आराम से कोई भी मॉडल का इसको काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला मॉडल में काम करेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आराम से इसको देखिए, मैं इसको अभी मैं जंपर करता हूँ, उसके बाद फिर उसके बाद आप लोगों को मैं चेक करके दिखाता हूँ, देखिए। तो आराम से इसको कहाँ कहाँ मैं जंपर कर लेता हूँ आप लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। तो जो मैं बोल रहा था उसका वो दोनों पॉइंट ऊपर में है और बीच में का नहीं तो नीचे में दोनों पॉइंट है, उसमें आराम से इसको जंपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चले गए आराम से इसको जंपर करके आप लोगों चेक करके दिखाते हो काम करेगा नहीं। बहुत सारे मॉडल में ये वाला ऐसे आप लोग ट्रिक यूज़ कीजिएगा तो काम करेगा 100% इसको सक्सेसफुल काम मिलेगा आपका काम पे। तो चले गए यहाँ पे देखिए, ये जंपर कर इधर के एक तो जंपर कर लेता हूँ। तो ये जंपर करने के बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले मैं इसको जंपर कर लेता हूँ, उसके बाद कौन सा कनेक्शन कहाँ जंपर किया। तो आराम से इसको देखिए गाइस, यहाँ पे जंपर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं आराम से इसको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये माइक्रोफोन का जो पॉइंट जंपर किया, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और एक तो ग्राउंड का, उसको तीनों पॉइंट कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन जंपर किया है मैंने, देखिए यहाँ पे ये माइक्रोफोन का इधर कनेक्शन जंपर किया है, ये वाला कनेक्शन जंपर किया है इधर में और ये वाला कनेक्शन को जंपर किया है देखिए इधर में।
तो एक पॉइंट कनेक्शन जम्पर किया, देखिए ये वाला पॉइंट इधर में, तो ये कनेक्शन जम्पर किया और ये वाला कनेक्शन इधर में, और वो जो बीच वाला जो ग्राउंड कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन आप कहीं भी लगा सकते हैं, इधर में भी लगा लिया, इधर भी, ये तीनों पॉइंट में कहीं भी आप लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल काम करेगा 100%, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तीनों कनेक्शन एक ही है। तो चले गए जिसको आराम से, तो सक्सेसफुल माइक्रोफोन यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ। तो यहाँ पे माइक्रोफोन कैसे मैं इसको कंप्लीट लगाया, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखा है, आप लोग अगर कुछ डाउट भी है आप लोग बिल्कुल मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आराम से देखिए, अभी मैं इसको सेटअप कर लिया, टेप फेप लगा के इसको कंप्लीट सक्सेसफुल सेट हो गया। मैं इसको अभी इसको सेट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ काम करता है कि नहीं माइक्रोफोन। तो ऐसे आप लोग कोई भी मॉडल में ऐसे काम कर सकते हैं, इसको बहुत सारी माइक्रोफोन का और भी ट्रिक आप लोगों में बताऊँगा जरूर, मेरे पास जो काम आता है हार्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ रिपेयरिंग का। अगर मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को देखना चाहते हो, एनी टाइम रिपेयरिंग का एनी टिप्स आप लोगों को मिलना चाहिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए गाइस। तो चलिए, और कुछ डाउट भी है तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। तो आराम से देखिए, मैं सारे का सारे इसको बुला के इसको बिल्कुल जैसे ओपन किया था, इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ, हो गया, अभी इसको ऑन करता हूँ, ऑन तो है बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे इसको इस माइक्रोफोन डायरेक्टली काम कर जाएगा, क्योंकि इसको ऑफ करने को जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये क्या आएगा, ये फिर अनुमंडल का। तो गाइस ठीक है, अभी यहाँ पे देखता हूँ माइक्रोफोन का ऑन करके इसको कॉल करके। तो चले गए जिसको यहाँ पे कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो इसको तो गाइस यहाँ पे ये तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, सिम कार्ड में बिल्कुल बैलेंस नहीं है गाइस। ठीक है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ, बैलेंस इनसफिशियंट बैलेंस बोल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं देखिए इसको वॉइस रिकॉर्डिंग पे ओपन करता हूँ, उसके बाद फिर आराम से मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आराम से जो बात करूँगा अभी स्टार्ट करता हूँ, जो बात करूँगा देखिए आराम से इसको रिकॉर्डिंग हो रहा है गाइस। देखिए कंप्लीट रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, मतलब माइक्रोफोन सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रहे हैं। तो गाइस माइक्रोफोन का प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, सिर्फ यही वाला मॉडल को मैं नहीं बोल रहा था, बहुत सारे मॉडल में आप लोग काम कर सकते हैं, सिर्फ E4+ का मॉडल में ऐसे में वीडियो बना के दिखा है, तो बहुत सारे मॉडल में आप लोग काम कर सकते हैं, ऐसे माइक्रोफोन लगा सकते हो। तो गाइस थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।